हमेशा ही सुर्खियां दे विच रहण वाली पंजाब पुलिस एक बार फिर सुर्खियां दे विच आई है अते थाने दे SHO दे उत्ते ही नशा तस्करी करवाउण दे दोष लगे हन। जिक्रयोग है कि थाना इंचार्ज ने एक नशा तस्कर नूं 1 क्विंटल गांजा सप्लाई करन लई दिता अते उसदे कोलों मोटी रकम लैंदा रहा। जानकारी दिंदे होए साबका विधायक सरूप चंद सिंगला श्रोमणी अकाली दल बादल शामी थाना थर्मल पहुंचे अते उहनां दे नाल इक व्यक्ति वी सी। इस मौके विधायक अते उहनां दे नाल मौजूद व्यक्ति दा की कहना सी, आओ जरा तुहानूं पहलां उह सुणा दिंदे हां। की नाम है तुहाडा, क्यों अज थाने पहुंचे तुसी? मेरा नाम रमेश है जी, मैनू रैम्बो कहिंदे जी। मैं बेअंत सिंह नगर च रहना, 25 गज जी। ठीक है जी, मैं गायें का काम करता सीगा अज तो 3 साल पहला दी गल है जी। 3 साल पहला तो स्टार्ट किया सीगा, किलो अद्धा किलो बेचदा हुंदा सीगा जी गायें मैं। तो उस तो बाद जी मैं PT सामने एक दो बारी। कौन PT साहब? PT SHO सिविल एंड थाने च रहिंदे आ। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने मैनू बुलाया उत्थे दफ्तर च जी। एक पहली बार बुलाया तो मैं अपना की नाम उहदा जतिंदर है गए, वह गए सी नाल लैके मैनू। तो उन्होंने मैनू एक बारी तो कहिंदा मतलब कि चल ठीक है भी, मतलब आया फलाना पूछा भी की काम करता भी, किन्ना बेच लेना फलाना टमकाना। तो मैं सारी जवाब देता जी उन्होंने, मतलब कि मैं छड़ता जी गाया गुंजा बेचना। तो उस तो बाद उन्होंने दोबारा बुलाया मैनू दफ्तर, दोबारा बुला के मैनू कहिंदे भी किन्ना कमा लेना पैसे तू। मैं क्या जी पैसे तो मैं 1000-2000 कमा लेना जी रोज़ का। तो कहिंदा 1000-2000 की, कहिंदा यार लखा कमा, कहिंदा 1000-2000 नाल कुछ नहीं बनता। तो तू की है, तेरा नाम बनया है इन्ना, कहिंदा तो तू भी कम कर, कहिंदा दब काम कर, मैं बैठा इत्थे, जे तेनू उंगल भी ला गया कोई, जे तू तेनू कोई टच कर गया, कहिंदा मैं बैठा इत्थे, मैं छुड़ाऊँगा तेनू, हर एक पासों मैं हटाऊँगा तेनू, कहिंदा मेरा काम कर तू। फिर मैं आ गया जी उतों। तो उस तो बाद इन्होंने फोन पर मैनू कहिंदा, मतलब कि WhatsApp कॉल करके मैनू कहिंदा भी तेरे को पैसे हैगे है? मैं क्या जी किन्ना? कहिंदा भी 5 लाख रुपये पूंजी हैगी, मतलब कि पूंजी। मैं क्या जी पूंजी तो है नहीं इस टाइम मेरे को, इस टाइम हैगा सीगा 2 लाख रुपये मेरे को हैगा सीगा। तो मैनू कहिंदा 5 लाख रुपये कर ला। तो मैं की किया जी लख करके हजीत तो फड़िया, वैसे जी मैं फाइनेंस वाला तो 3 लाख रुपये उन्होंने तो फड़िया। तो 5 लाख रुपये मैं करके, तो इन्हों का फोन आया मैं, कहते हो गया काम हो गया? मैं क्या जी हाँ काम हो गया जी। तो इन्होंने बुलाया मैनू, तो बुलाया तो कहता भी कल्ला आई, किसी नूं नाल ना लेके आई, तो हुण गल हो गई, तो फोन बंद करके आई। तो मैं फोन बंद करके गया जी, मैनू दसता भी उत्थे आना। तो मेरे को भी गड्डी सी, शिफ्ट गड्डी सी, कहिंदा गड्डी नाल लियाई, तो मैं गड्डी लैके गया नाल। तो उन्हां कोल भी शिफ्ट गड्डी सी, तो उन्होंने पैसे मैनू कहिंदा पैसे लिया, पैसे फड़े तो देखे उन्होंने, तो गिने नहीं उन्होंने पैसे, जेब च पाले, कहिंदा 5 ही है ना? मैं हाँ जी 5 है। तो उस तो बाद जेब च पाले उन्होंने, तो उस तो कहिंदा भी समान पिछे पिया सारा कढ ला, कहिंदा तो कुछ डिग्गी च रख रखे से, कुछ आगे सीट पिछे। की समान सी? की समान सी? गाया सीगा जी। किन्ना सी गाया? गाया मैं उन्होंने तो कुंटल किया जी, जो तो मैं तोल लिया तो 1 कुंटल 2 किलो सीगा जी। SHO ने तुम्हें गांजा दिता? हाँ जी SHO ने दिता जी, सिविल लाइन वाले ने जी। किन्ना कमाया तुसी? मैं उन्होंने किन्ना दिता? हाँ जी उस तो बाद इन्होंने भी 5 लाख रुपये तो उदो ले ले सी उन्होंने जी मेरे तो जी। ठीक है जी, उस तो इन्होंने फोन किया जी मैनू, कहते भी 2 लाख रुपये राजू सराय नू दे दे, MC नू, राजू सराय MC नू दे दे। मैं क्या ठीक है जी, 2 लाख रुपये उन्होंने देता जी मैं। ठीक है, उस तो बाद मैंने फोन करके फिर आ कहता मतलब 1 लाख रुपये ना आशीष सरपासवान दे दे। आशीष ये भी MC है जी, इलेक्शन का टाइम सी उदो। तो 1 लाख रुपये उन्होंने देता, फिर मैनू कहता मतलब कि मैनू ना 10 लाख रुपये चाहिए है, मैनू जरूरी है, इलेक्शन का टाइम आ गया। ठीक है, तेनों 1 कुंटल समान तेनों 1 हफ्ते बाद दोबारा मिल जूगा। मैं कहता ठीक है जी, पहला भी दिता हैगा हूँ भी देंगे। ठीक है जी, मैं की किया जिन्ने पैसे सी मेरे को उन्होंने 10 लाख रुपये दोबारा मैं देता, टोटल चले गए 18 लाख रुपये उन्होंने को जी। ठीक है जी, बहुत जो बटिया सी मैं 20 लाख रुपये जी, 2 लाख रुपये मेरे पास जेडे पहला का पिया सीगा वो बच गए जी मेरे। ठीक है जी, बाकी सारे जेडे मैं मेहनत किया बेचा मैं सारा कुछ मैं किया जी, 10 लाख मैनू बचना चाहिए सीगा, पर वो मैं 10 लाख मैनू नहीं बचा, 20 लाख रुपये खा गया वो, तो बाद मेरे घर रेड़ पा लग गया वो, मैनू तंग करन लग गया, मैनू डरा लग गया भी जे तू हुण भज जा इत्थों नहीं तो चिट्टे का परचा पाऊँगा,
तेरे सारे टब्बर ते परचा पाऊंगा मैं, ठीक है, तो फड़ लिया मैं तेन ये करूँगा वो करूँगा बहुत कुछ कहता सी जी, ठीक है। तो मेरे माँ बाप न गाला कट के जाता है, मेरे प्यो न भी कुट के गया जी कई बार। थर्मल क्यों पहुंचे हो थाना? थर्मल अज थर्मल थाना जी सानू सरूप सिंह सिंगला साहब लेके आए, उन्होंने को ले गए सी असी आ लैके जी, मेरे नाल धोखा होया जी, ठीक है जी, मेरे नाले तो उन्होंने काम शुरू करवाया मैनू, नाले पैसे ले ले उन्होंने मेरे तो जी, ठीक है जी, तो नाले धमकियाँ दे जाता, नाले घरों मेरे 40,000 रुपये रेड़ पाया इन्होंने घर, 40,000 रुपये लै गए जी, तो सोना सुना पिया सी वो लै गए जी, दो मोबाइल पे सी वो लै गए जी, तो और ID प्रूफ वगैरह सीगा मेरा, आधार कार्ड वगैरह, पिन कार्ड वगैरह, ATM वगैरह, मेरा बैंक का पासबुक वगैरह, तो मेरी घरवाली का सर्टिफिकेट, तो मेरे बच्चों का सर्टिफिकेट, सारा कुछ लै गया वो घरों चक्के। SHO नाल सीगा रेड पाई जो मैं चाहना जी, मेरे ते केस हो जाए जी, पर मेरे परिवार से कोई आँच नहीं आना चाहिए, मैं जेल जाने तैयार हाँ, पर जेल उन्होंने भी जाना चाहिए जेडे मेरे नाल काम किया जी। उन्हें मैंने एक बार दिता जी, 1 क्विंटल 2 किलो पहला ही मामला दर्ज है किसी तरह का नशा बेचण का? हाँ पहला हैगा सीगा जी, 600 ग्राम का गाया सीगा जी, मेरे तो फड़ाया गया सीगा जी, मेरे ते दर्ज सीगा, मैं बरी हो गया उहदे ते। हाँ जी मामला यह है कि मेरे को अज 2 बजे रमेश रैम्बो नाम का एक आदमी घर आया, उन्हें आपकी आप बीती सुनाई कि उन्हें कहा सिंगला साहब मेरी मदद करो, मैं रोज मरने वाले एक दिन मरना चाहना कि मैं गांजा बेचता सी और मैनू थाने दे विच बुलाया गया, इंचार्ज थाने का नाम लै रहा है, सिविल लाइन थाने का जो इंचार्ज है इस टाइम, वह नाम सुनो पता ही है यार, सिविल लाइन थाने का इंचार्ज है इस टाइम, वह नाम हैगा PT कह रहा, PT की नाम दस बी PT रविंदर सिंह, PT का नाम लै रहा थाने का, उन्हें मैनू बुलाया कि तू 1,000-2,000 किन्ने पैसे कमा, क्या मैं 1,000-2,000 रुपया कमाना, क्या 1,000-2,000 ना की फर्क, तू लखा कमा, क्या उन्हें तो कहने मतलब 1,00,000 रुपया पैसे लैके 1 क्विंटल सप्लाई किया गांजा, तो वो बकवा के वो पैसे लाए, तो उदू अलावा होर पैसे ले ले मैं तेन लिया के दूंगा, हूँ किसी गल का भेद निकलने का डर कारण इनू कि कह रहा है भी तेरे सारे टब्बर से मैं परचा दर्ज करना है, ये मोबाइल मोबूल भी लैके गया घरों, तो सारे टब्बर से परचा करने की जी गल कर रहा है, ये मत जो ये कह रहा है, मैं नहीं मेरा बयान नहीं है, यही कह रहा है कि मेरे से परचा दर्ज करना चाहता, मेरे सारे टब्बर से मैं आपके टब्बर को बचा के रोज़ मरना उन्हें एक दिन मरना चाहना, मैं आपका बयान देना चाहना, और जिड़ी जिन्ना मैं कसूरवार हाँ मैं वह जिम्मेवार हाँ, जिन्ना बाकी सप्लाई करने वाला है वो भी परचा दर्ज हो कि जोड़ा हैगा इंसाफ मिल सके। थर्मल थाने दे विच असी देखो गल है कि ये जिहड़ा मामला बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि ये बंदे ने ऑनलाइन किया, सानू ये है कि ये कित ये ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए या इनू कोई चाके लै जाए, असी पुलिस कस्टडी दे के यदा बयान लिखा चाहते हैं दा थाने चाहे। असी इंचार्ज साहब नू मिले हाँ, IG साहब नाल मेरी गल हुई है, DSP साहब नाल मेरी गल हुई है, वो कहते हैं कि असी आपका सलाह मशवरा कर रहे हैं कि असी की करना है। अकाली दल की मंग करता है, तुसी की मंग करते हो? मैं मंग करना है, बठिंडा मंग करता है, पंजाब मंग करता है, नशे बंद होने चाहिए, जिहड़े नशां दे विच शामिल लोग है उन्होंने परचे दर्ज होने चाहिए, उन्होंने अंदर देना चाहिए। दूजे पासे इस मामले दे उत्ते पुलिस का कहना है कि वह बंदी कार्रवाई अमल दे विच लियाउणगे। देखो जी जो कंप्लेंट दियो दरखास्त दियो, जो मैं दरखास्त जो कोई फैक्ट आऊगा उसके मुताबिक असं कार्रवाई कर देंगे। वो दस रहा वो दरखास्त नहीं लग रही तो मैं कहना यार देखो टाइम तो लगेगा, जो हम आप एकदम सारा कुछ मैं कागज तैयार कर लिया तो होना नहीं तो पॉसिबल ही है नहीं ना। नहीं मतलब उन्होंने जान दिया जाऊगा फिर
देखो जी कंप्लेंट दिंदा है असीं वेरीफाई करदे हां जे सानूं लगूगा वी कोई अरेस्ट उहदे विच बणदी है ते असीं जरूर करांगे सानूं उहदे विच की इतराज़ है जे सानूं कोई लगूगा इहदे विच कोई फैक्ट हैगा है सच्चाई इहदे विच कोई हैगी चीज़ है ते असीं उहदे मुताबिक कार्रवाई करदे हां। ओह तुहानूं क्यों नहीं लग रिहा गा कि ओह अरेस्ट देण लई आया ओह दस रिहा कि मैं खुद जुर्म कीता है। देखो असीं वेरीफाई कर रहे हां जी वेरीफाई कर रहे हैं। कितने रखा गया हूँ फिलहाल? इतने बैठा है जी इतने आपकी कंप्लेंट लिखा रहे हैं जी। अच्छा वेरीफाई करते हैं देखो जो सामने होगा तो तब कार्रवाई करते हैं। ठीक है शुक्रिया थैंक यू। पढ़ाई च दिल लगता सी नंबर चंगे आते सी एससी खुट्टी की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलती सी बापू मजदूरी करता बेबे नू मसा ही घर च कम मिलता पर मैं खुश सी दसवीं च साइकिल मिलूगी ते पोस्ट मैट्रिक एससी वजीफा भी लंबड़दारा दी राणो वांग इंजीनियर बनांगी। पर सुपने सुपने ही रह गए स्कॉलरशिप बंद हो गई स्कूल छुट गया साइकिल मिली कोई ना ते फीस है नहीं हुण मां नाल घर च काम करन जानी आ आ दिता मैनू इस सरकार ने हुण नहीं मैं कह दिता बापू बेबे नू ऐतकी सबक सिखाउणा है वोट पाउणी उहनां नू जिहड़े समझण साडे दर्दां नू।